हेलो सर, कैसे हो आप? सोलो साइज ये जो की है ना, ये अपनी SP160 की। और एक और की दिखाता हूँ, यहाँ पे हॉर्नेट की देखो आप लोग। ये जो की है ये हॉर्नेट की है, मतलब प्रीमियम यहाँ पे कौन सी लग रही है वो मेरे को बताना, ठीक है? तो अभी हॉर्नेट की वापस से लगा देते हैं। हॉर्नेट का फुल डिटेल्ड रिव्यू चैनल पे ऑलरेडी आप लोग जाके देख लो। बाकी फ़िलहाल जो है बात करते हैं भाई SP160 के इस नए वेरियंट की, E20 वाले वेरियंट की। एंड की जैसे ही मैंने लगाई तो यहाँ पर आप लोग देखो, फ्रंट में कोई भी DRL इसमें नहीं है जो कि ऑन हो, डायरेक्ट जो हेडलाइट आपको मिलती है। तो यहाँ पे यदि मैं इसको स्टार्ट करता हूँ ना, तो जाके ये लाइक हेडलाइट इसकी ऑन होगी। तो ये देखो, हाई बीम लो बीम दोनों ही जो है LED में आपको मिलती है। लाइक अभी मैं आपको हाई बीम दिखाता हूँ, तो हाई बीम ये ऑलरेडी ऑन है, लेकिन साइड में ये जगह किस चीज़ की है या आई डोंट नो किस चीज़ की है, ठीक है? तो अभी इसको करते हैं लाइक ऑफ, इंजन ऑफ। एंड अभी आप लोग डिटेल में देखो, हेलोजन इंडिकेटर आपको मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है? और साइड में ये जो दो दिख रहे हैं ना, आई डोंट नो किस चीज़ के हैं, मेरे को समझ नहीं आए। बाकी ये हाई बीम लो बीम हो गए अपनी, ठीक है? ऊपर जो है लो बीम है, नीचे हाई बीम है। उसके बाद यहाँ नंबर प्लेट आपकी लग जाएगी। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, काफ़ी पतले पतले सस्पेंशन है, क्योंकि ये उस सेगमेंट में है जिसमें अपाचे 160 2V वगैरह है, ठीक है, एक्सट्रीम वगैरह है, उस सेक्शन में आप लोग जो है मान सकते हैं इसको। तो यहाँ पे सस्पेंशन इतने हैवी आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बनाई गई है डेली कम्यूट के लिए। तो डेली कम्यूट के लिए यदि बनाई जाती है ना बाइक, तो उसमें इतना सब ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि आपको कोई ऑफ रोडिंग तो इनसे करनी नहीं है। उसके बाद फ्रंट में जो आपको सिंगल चैन लेबेस मिल जाता है, पीछे कोई एबीएस नहीं है, सिंगल चैन लेबेस ही आपको मिलेगा। डिस्क जो है बड़ा मिल जाता है, यही सेम हॉर्नेट में मिलता है। ब्रेकिंग सिस्टम सेम हॉर्नेट वाला ही है, कहने का मतलब है। उसके बाद जो है यहाँ MRF का टायर आपको मिलेगा। साइज़ जो आप यहाँ पे देख लो, 80 सेक्शन का फ्रंट में आपको ये टायर मिलता है। ABS की यहाँ स्टिकरिंग है, रिफ्लेक्टर इस साइड भी है उस साइड भी है। ये जो है प्लास्टिक में आपको इसका मड गार्ड देखने मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपने को इंजन मिल जाता है इसका, यहाँ पूरा टैंक वगैरह मिल जाता है। ये होंडा का आप लोग लोगो वगैरह देख सकते हो। और स्पेक्स यदि मैं दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे आप लोग देखो, पूरा यही उठा लिया मैंने। तो यहाँ पे जो है ना आपको लाइक जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 177 mm, लाइक जो ग्राउंड क्लियरेंस 177 mm मिलती है। उसके बाद पावर वगैरह यहाँ पे आप देख लो, 9.9 kW अराउंड जो है, 14 PS के अराउंड जो है पावर इसकी, एंड 14.58 Nm का जो है यहाँ पे आपको टॉर्क मिल जाता है इसके अंदर। तो टॉर्क वगैरह जो है ना काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद जो टैंक का साइज है अपना 12 लीटर का है, 5 स्पीड का गेयरबॉक्स यहाँ पे आपको मिलता है। किक यहाँ पे अपने को मिल जाती है, नीचे जो है इंजन कॉल मिल जाता है, सेम कुछ ऐसा ही जो है आपको मिलता है उसके हॉर्नेट में, बट उसमें कुछ स्टिकरिंग वगैरह यूज़ की। ये जो है मेटल का है, उसमें प्लास्टिक का है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि आप यदि डेली कम्यूट करते हो तो हो सकता है नीचे से कहीं लग जाए, तो यहाँ पे मेटल का दिया गया है। तो कुछ एक चीज़ें जो कि हॉर्नेट यहाँ पे सुधार रहा है। उसके बाद जो इंजन है वो एयर कूल्ड आपको मिलता है, माइलेज अराउंड 60 के करीब जो है दे देगा, 60-65 के करीब, और जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको ठीक ठाक दे देता है। इसमें जो पिकअप है ना, वो आपको हो सकता है कि आपको हॉर्नेट के बराबर ही जो है देखने को मिले, क्योंकि पिकअप में जो है ज़्यादा दोनों बाइक्स में डिफरेंस नहीं है। उसमें 15.9 Nm का टॉर्क है, इसमें 14.9 का, तो ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस है नहीं। उसके बाद यहाँ पे अपने को फ्रंट फुटरेस्ट मिल जाता है, रियर ब्रेकिंग मिल जाती है, और रियर में जो है मोनोशॉक सस्पेंशन आपको दिखाऊंगा मैं। उससे पहले यहाँ पे आप लोग देख लो, SP की यहाँ पे स्टिकरिंग आपको मिल जाती है। उसके बाद ये अपना एग्जॉस्ट है, एंड यहाँ पे अपने को एक क्रोम का पार्ट मिलता है। रियर फुटरेस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। रियर में जो है मोनोशॉक सस्पेंशन है, जो कि देख सकते हो एडजस्टेबल नहीं है, बट ये पीछे जो है 130 सेक्शन का टायर है, और काफ़ी चौड़ा टायर यहाँ पे आपको मिलता है। ये देख सकते हो साइज़, पीछे जो है सेम डिस्क है जो हॉर्नेट में मिलता है कुछ उसी तरीके का। यहाँ पे भी ABS वगैरह नहीं है, बट हाँ टायर काफ़ी चौड़ा दिया गया है। सीट यहाँ पे आप लोग देखो, काफ़ी सॉफ्ट सीट दी गई है, मतलब फैमिली के साथ में आप चल रहे हो तो भी जो कोई दिक्कत यहाँ पे आएगी नहीं। राइडर पिलियन दोनों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। यहाँ पे आप लोग जो है टेललाइट देख सकते हो, बिल्कुल ही नया डिज़ाइन अब की बार आया, तो जो टेललाइट डिज़ाइन है वो भी काफ़ी बढ़िया है। हेलोजन इंडिकेटर है, हेलोजन में लाइट नंबर प्लेट के लिए। उसके बाद ग्रैब रेल जो यहाँ पे सिंगल दी गई है। यहाँ पे जो है आपको साड़ी गार्ड मिल जाएगा, ये जो कि मैंडेटरी है, और आपको मिलेगा ही मिलेगा ये भाई, ये तो हॉर्नेट में भी आपको मिल जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद यहाँ SP का लोगो है, और साइड स्टैंड यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे 5 स्पीड का गियरबॉक्स है, ये अपना पूरा इंजन कंपार्टमेंट यहाँ से दिखता है। सेंटर स्टैंड यहाँ पे आपको मिल जाता है, साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर यहाँ पे आपको मिलता है। सीट हाइट भी जो इसकी अच्छी खासी दी गई है, जो सीट हाइट है ना वो 796 mm के करीब है। सो आई थिंक 5-4, 5-5 वाला बंदा भी आराम से इसको चला पाएगा, उसको भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी मिरर्स वगैरह जो है, बटन्स वगैरह जो है, सब अपनी हॉर्नेट से शेयर्ड है, उसमें जो है कोई भी डिफरेंस आपको लगेगा नहीं। हाई बीम लाइक पासिंग लाइट, हाई बीम लो बीम, इंडिकेटर, सिंगल हॉर्न, इग्निशन, हैजार्ड बटन, एंड जो है नीचे सेल्फ का बटन। अभी साउंड सुना देता हूँ आपको मैं, इग्निशन ऑन।
सो जो साउंड है ना वही लाइक होंडा की जैसे हर बाइक्स में यही होता है कि जो आपको रिफाइनमेंट है ना वो उसके साउंड से ही पता चल जाता है, बिल्कुल ऑलमोस्ट लाइक जो है साइलेंट टाइप जो इनके एग्जॉस्ट होते हैं। यदि आप नॉर्मल स्पीड में चल रहे हो तो आपके कानों तक उसकी आवाज़ भी नहीं जाएगी, तो ऐसी कुछ साउंड आपको मिलती है। बाकी यहाँ पे सेम अपने को वही मिलता है ये जो हॉर्नेट में है, ये देखो इसका और इसका सेम टू सेम है। बाकी इन दोनों बाइक से कंपैरिजन आएगा उसमें बताऊंगा मैं, उसमें जो पूरी भाई दोती खोलने वाले अपन दोनों बाइक्स की, तो देखना वो भी आप लोग। भी जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप लोग देखो पूरा डिजिटल दिया गया है, एंड ये वही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो CB300F में अपने को मिलता था, तो सेम वही है जिसके अंदर बीच में आपको यहाँ पे पूरा RPM मीटर राउंड में मिलता है। तो यहाँ पे आपको RPM मीटर मिल जाएगा, गियर इंडिकेटर, फ्यूल मीटर, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, एंड जो है ये बैटरी वोल्टेज वगैरह और ये सब आपको यहाँ पे दिखा देगा, एवरेज वगैरह। ऊपर जो है अपने को टाइमिंग, ये साइड स्टैंड वार्निंग, इसमें भी आपको काफ़ी सारी डिटेल्स मिलती है जो कि होंडा हॉर्नेट में नहीं मिलती। तो यहाँ पे जो है ना मैं आपको कुछ एक डिटेल्स और दिखाता हूँ, लाइक जो बटन्स है ना ये यहाँ पे आपको कुछ एक डिटेल्स और दिखाएंगे, जैसे टोटल ऑडोमीटर आ गया, ये ट्रिप ए, ट्रिप बी, ये टोटल अगेन। अभी जो है यहाँ पे देखो आप, ये 0.0 लीटर कुछ दिखा रहा है, यहाँ पे स्पीड दिखा रहा है, एवरेज वोल्टेज, बैटरी वोल्टेज, एंड यहाँ पे अगेन जो है आपको माइलेज दिखा रहा है 7.8 किलोमीटर पर लीटर। ये इसलिए क्योंकि ये चली अभी सिर्फ 1 किलोमीटर है। ये सारी डिटेल्स आपको इसके अंदर मिल जाएगी। सो ओवरऑल जो है काफ़ी बढ़िया बढ़िया डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाती है। ऊपर सारे इंडिकेटर्स वगैरह मिल जाएंगे, जैसे हाई बीम वगैरह और ये सब जो है इंडिकेटर वगैरह के, ABS वगैरह, लो फ्यूल वार्निंग, ये सारी चीज़ें आपको ऊपर दिखा देगा इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको SP160 में मिलती है। उसके बाद यहाँ E20 के आप लोग बैजिंग देख लो। अभी जो है ना काफ़ी सारे लोग बोलेंगे भाई इसकी प्राइस वगैरह क्या है, सो आपको बता दूँ जो इसकी प्राइस है ना एक्स शोरूम अराउंड 118,000 इसके बेस वेरियंट के लिए, एंड ये इसका टॉप एंड वेरियंट है जिसकी प्राइस है 122,000 एक्स शोरूम। अब इस एक्स शोरूम वाले वेरिएंट की क्या ऑन रोड प्राइस पड़ेगी तो आपको बता दूं, जो मेरे सामने बाइक देख रहे हो इसकी ऑन रोड प्राइस है गाइस अभी 140,000 के करीब ऑन रोड। सो बताओ अब आप लोग कैसी लगी आपको ये बाइक। बाकी कोई भी डाउट्स है गाइस तो अभी कमेंट करो। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।